बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में लालू प्रसाद यादव ताल ठोकेंगे। लालू यादव ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दर्ज कराया है। आरजेडी और लालू यादव के समर्थक इस खबर को सुनकर फूले नहीं समा रहे होंगे। उनको उम्मीद जगाई होगी कि लालू के आने से बिहार चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन 2015 से भी बेहतर हो जाएगा। लालू के कुछ फैंस तो सोच रहे होंगे कि इस बार लालू बिहार में तेजस्वी सरकार बनाकर ही रहेंगे, लेकिन अपने सोच के घोड़े को दौड़ाने से पहले जरा रुक जाइए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, तो आपको निराशा होगी, क्योंकि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जिस शख्स ने नामांकन दर्ज कराया है वो आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव नहीं है, बल्कि मढ़ौरा निवासी लालू प्रसाद यादव हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरह इन्होंने भी बड़े बड़े काम किए हैं। वो 2001 से लेकर लगातार पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में भी उन्होंने आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की परंपरागत सीट सारण से नामांकन किया था। चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने में माहिर लालू यादव ने आज तक कोई भी चुनाव नहीं जीता है, लेकिन लालू को भरोसा है कि कभी ना कभी चुनाव में उन्हें जीत जरूर मिलेगी। पहले नगर पंचायत वार्ड, उसके बाद लोकसभा, सारण लोकसभा, उसके बाद मढ़ौरा विधानसभा, उसके बाद सारण स्नातक एमएससी, उसके बाद 2017 में राष्ट्रपति के फॉर्म भरे हैं। बिहार चुनाव में शिक्षक वर्ग बड़ा अंतर पैदा कर सकता है, इसलिए नीतीश कुमार ने शिक्षकों की कई मांगों को पूरा करके उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश की है। लालू का कहना है कि नीतीश सरकार शिक्षकों के साथ न्याय नहीं कर रही है, मैं उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। शिक्षक लोग का जो बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। जो यहां से पूर्व जो एमएलसी है उनके तीन टर्म यहां के शिक्षक लोगों ने देखा है और मुझे भरोसा दिलाया है कि आपको हम लोग बहुमत देकर जाएंगे, आप हमारे साथ खड़ा करेंगे। मढ़ौरा के लालू प्रसाद यादव की कहानी बहुत दिलचस्प है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरह उन्होंने जीत और सत्ता का स्वाद को कभी नहीं चखा, लेकिन कभी ना हार मानने वाला उनका जज्बा वाकई में काबिले तारीफ है। छपरा से आलोक, बिहार तक।